Hello dear lovely children, I hope you all are doing good. Welcome back to your SST class and I'm your teacher and mentor Ananya and I'm back with a new lesson of your book that is Jelly Bean Journeys for Class 5 by Brainroot Publications. Children, we are going to start today a new chapter which is chapter number 19, The Government, yani our government. अच्छा, हम सब एक देश में रहते हैं, ठीक है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के स्टेट्स हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, शांति से रहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है बेटा जब कोई ठीक से कंट्री को गवर्न करे, ठीक है, यानी गवर्नमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे देश के प्रोटेक्शन करने में और उसका निर्माण करने में. तो आज हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसको हम हिंदी में सरकार कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे. हम आज सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे और जुडिशियरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. एंड देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू. कैन यू नो हु इज दिस पर्सन? There's a picture of a popular leader of the world. He is one of the most popular leaders. He is our Prime Minister, that is Narendra Modi. So you have to write a short note about him. आपको जो भी उनके बारे में पता है वो आप अपने शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है. So you can write that his name is Dr. Narendra Modi. He is the Prime Minister of India. He belongs to BJP party and there are many things that you can write about our Prime Minister. All right, so this is something to be done by you. Now let's move towards the chapter. India is divided into 28 states and 8 union territories. India mein 28 states hain aur 8 union territories hain, theek hai. The Constitution of India provides for a government at the center, one each in state. This has been done to govern the country properly. The powers of the central and state governments have been clearly written down in the constitution. See, India mein 28 rajya hain aur 8 union territories hain, hai na. In sabhi ko ek saath ekjut karke rakhna ye apne aap mein bahut bada challenge hai aur isi ke liye हमारे संविधान ने अलग अलग तरह के प्रोविजंस बनाए हैं. इंडिया का जो पूरा देख रेख है वो इंडियन गवर्नमेंट करती है एंड इंडियन गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द जुडिशियरी. तो आज हम इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. संविधान में हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, नागरिक को क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, ये सब कुछ भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. फॉर एग्जांपल, डिफेंडिंग द कंट्री इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि हमारी कंट्री को बचाना ये सबसे बड़ा काम जो है किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का. वाइल मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी हर राज्य में सब कुछ ठीक से हो, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो, कोई कानून ना तोड़े, ये सब देखने का काम है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट वेन एवर द नीड अराइजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मदद करेगा जब भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. Now let's go through a fun fact. The Constitution of India was drafted by the Constituent Assembly after Indian independence. भारतीय संविधान की रचना की गई थी Constituent Assembly के through. It was adopted on 26 November 1949. Adoption तो 26 November 1949 को हुआ था, लेकिन इसको practice करने की शुरुआत यानी enforcement इसका हुआ था 26 January 1950. इसीलिए हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, यानी गणतंत्र दिवस को जो है हम हर साल मनाते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट, अब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं. द गवर्नमेंट इज़ एट द सेंटर एंड इज़ रन बाय द पार्लियामेंट्री सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी वन वोट वन पर्सन, ठीक है. इस गवर्नमेंट को हम वन वोट वन पर्सन के हिसाब से ही चलाते हैं.
The law making body of India is known as the parliament. Parliament is the law making body, यानी कि कानून बनाने का काम जो है इंडिया में पार्लियामेंट करती है. The parliament consists of the president of India and two houses. पार्लियामेंट में तीन लोग रहते हैं, प्रेसिडेंट जो हेड करते हैं और उनके अंडर दो हाउसेज आते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, ये है इंडियन पार्लियामेंट का पिक्चर, यानी इंडियन पार्लियामेंट हाउस. ऑलराइट, द पार्लियामेंट बिल्डिंग इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग. इट इज फाउंडेशन स्टोन वाज लेड इन 12 फरवरी 1921, यानी जब आज़ादी भी नहीं हुई थी तभी इसका जो फाउंडिंग स्टोन है वो रख दिया गया था, इसकी नींव रख दी गई थी. बाद में 18 जनवरी 1927, यानी 18 जनवरी 1927 को इट वॉज इनॉग्रेटेड. द बिल्डिंग वॉज डिज़ाइन बाई सर एडविन ल्यूटन्स एंड सर हर्बर्ट बेकर. ये लोग जो थे इन लोगों ने बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था. ऑलराइट, द लोकसभा, हमने पढ़ा ना लोकसभा एंड राज्यसभा, तो सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे. द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस. द मेम्बर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years. यानी हर 5 साल के बाद लोकसभा के मेम्बर्स चेंज होते रहते हैं क्योंकि वोटिंग के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है. क्लियर, द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा आर सुपरवाइज्ड बाय स्पीकर. स्पीकर जो है सारी जो मीटिंग्स है डिस्कशंस है उनको प्रोसीड करते हैं. एंड ये जो स्पीकर है इनको भी कौन इलेक्ट करता है, इनको मेंबर्स ही आपस में मिलके इनका चुनाव करते हैं, इनको चुनते हैं. ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लेज डाउन द राइट टू वोट फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 years. Irrespective of their caste, creed, color, religion or economic status. यानी हर व्यक्ति जो कि 18 साल या उससे ऊपर की एज का है वोट कर सकता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है, यानी अमीर हो गरीब हो, चाहे उसका सामाजिक स्तर कैसा भी हो, पर अगर वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा उम्र का है तो दे कैन वोट, यानी दे कैन कास्ट देयर ओपिनियन इन फॉर्म ऑफ वोट्स. ऑलराइट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ 25 years कैन कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर लोकसभा. और लोकसभा इलेक्शंस के लिए कौन लड़ सकते हैं, कोई भी जो व्यक्ति 25 साल से ज़्यादा उम्र का है वो लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, बट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द राइट टू कॉल फॉर अर्ली इलेक्शन. हर 5 साल बाद लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास ये अधिकार है कि उनको अगर ज़रूरत पड़े तो वो पहले भी लोकसभा इलेक्शंस करवा सकते हैं. दीज इलेक्शंस आर हेल्ड इन 550 सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन. द कंटेस्टेंट्स हैव टू गेट द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स. ठीक है, कंटेस्टेंट्स को हाईएस्ट नंबर वोट मिलना चाहिए, यानी जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वोट उन्हें मिलेगा तभी वो जो हैं जीत पाएंगे. द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम 552 मेंबर्स, ऑफ विच 530 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड 20 रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज. ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ राइट टू नॉमिनेट 2 members ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ ही शी फील्स दैट द कम्युनिटी इज नॉट adequately represented in the house. यानी जो हमारे प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति हैं वो 2 members को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि कम्युनिटी को प्रॉपरली लोकसभा में जगह नहीं मिल रही है तभी. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं राज्यसभा. लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं बेटा, तो राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं. ठीक है, राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द अपर हाउस. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, यानी कि इसको हम वोटिंग के थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं. दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और ये 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं. ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स 5 साल के लिए और राज्यसभा के मेंबर्स 6 साल के लिए. द राज्यसभा कैनॉट हैव मोर देन 250 members, 250 से ज़्यादा मेंबर्स हो नहीं सकते. इसमें से 12 members जो हैं वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे हर साल. ठीक है,
द राज्य सभा इज अ परमानेंट बॉडी एंड इज नेवर डिजॉल्व. लोकसभा तो डिजॉल्व होती रहती है, नहीं बनती रहती है, लेकिन राज्यसभा परमानेंट बॉडी है. वन थर्ड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी टू ईयर्स, यानी हर दो साल में एक तिहाई हिस्सा राज्यसभा का रिटायर कर जाता है और न्यू मेंबर्स एंट्री लेते हैं. द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होते हैं. ऑलराइट, द प्रेसिडेंट. अब क्योंकि हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति. ठीक है, अभी का करंट प्रेसिडेंट कौन है क्या आप बता सकते हैं? अभी राइट नाउ हमारे करंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू. ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट, वो स्टेट की हेड है, होते हैं. ठीक है, ही शी इज ऑल्सो कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, यानी जितनी भी हमारी डिफेंस फोर्सेज है या आर्म्ड फोर्स है उसका कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ही कहलाते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी प्रेसिडेंट के वोट के लिए हम लोग, आम जनता वोट नहीं करती है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए भी वोटिंग होती है, लेकिन वोटिंग जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स मिलके करेंगे. ठीक है, द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 years. प्रेसिडेंट का जो टेन्योर रहता है वो भी 5 years का होता है. 5 years बाद अगर दोबारा वोटिंग हुई तो सेम प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकता है. हाउएवर दे कैन बी री इलेक्टेड फॉर अनदर टर्म, जैसे कि मैंने बताया कि वो सेम प्रेसिडेंट भी दोबारा री इलेक्ट हो सकता है या फिर कोई नया प्रेसिडेंट भी आ सकता है. The President of India is a ceremonial post. The President mostly acts on advice of Prime Minister. The President symbolizes the national unity and integrity. ये देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में जो है प्रेसिडेंट रहते हैं, ये उनका घर है. ठीक है, दिस इज द फेमस राष्ट्रपति भवन जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं. फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरीके से बनाई जाती है यानी सरकार का गठन किस तरीके से होता है. इंडियन डेमोक्रेसी रन्स थ्रू अ मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी बहुत सारी पार्टीज़ जो है आपस में कंटेस्ट करती है. इंडिया में बहुत तरह तरह की पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की अलग अलग पार्टीज़ हैं. ठीक है, इट मीन्स देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बोथ इन स्टेट एंड नेशनल लेवल, यानी नेशनल लेवल पर भी डिफरेंट पार्टीज़ हैं और स्टेट लेवल पर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं. This gives a wide variety of choices to people to elect their representative. लोगों के पास बहुत ज़्यादा choice होती है कि वो अपने पसंदीदा candidate को चुन सकते हैं, लेकिन सिर्फ पसंद है इसीलिए नहीं चुनाव करना है, जो actual में काम करता है उसी को चुनना चाहिए. Alright? After the elections, whichever party gets the highest number of seats, यानी जिस भी party के उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा seats मिलती हैं, सबसे ज़्यादा लोग जीतते हैं candidates में से, वही पार्टी जो है विनर कहलाती है और वही पार्टी सरकार का निर्माण करेगी, यानी दैट पर्टिकुलर पार्टी विल बी मेकिंग द गवर्नमेंट. इफ अ सिंगल पार्टी इज नॉट एबल टू गेट एडिक्वेट नंबर ऑफ सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट, देन इट कैन फॉर्म अ अलायंस विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. अगर मान लो इलेक्शन हुआ और 2-3 पार्टीज आपस में कॉम्पिटिशन कर रही है, लेकिन दोनों या तीनों पार्टीज को ही बहुत ज़्यादा वोट्स नहीं मिले, ठीक है, किसी को भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला वोट का, बहुत ज़्यादा वोट्स नहीं मिले, ऐसे केस में क्या होगा? बराबर बराबर लगभग वोट्स मिले, तो ऐसे केस में कोई एक पार्टी अपना गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, पार्टी दूसरी पार्टीज़ के साथ, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलजुल के एक संयुक्त गवर्नमेंट बनाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट. ऑलराइट, द इलेक्टेड लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपने अंडर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा डीम्ड फिट बाय द प्राइम मिनिस्टर आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स, यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, जिन में उनमें से भी मतलब जो सबसे ज़्यादा
लायक हैं या सबसे ज़्यादा लगता है कि ये इस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स के पोस्ट पे रखते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ऑल राइट, अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट. हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में तो पढ़ लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या होता है वो भी पढ़ लिया. अब अलग अलग स्टेट्स में भी गवर्नमेंट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह तो नहीं जा सकती, राइट. अब मान लो प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में है और केरल या तमिलनाडु में कोई प्रॉब्लम आ गई, जब तक प्राइम मिनिस्टर पहुँचेंगे थोड़ा तो टाइम लगेगा. अगर तब तक बात बिगड़ गई या सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो गई तो एट द मोस्ट संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए. इसीलिए हर राज्य का भी अपना अपना गवर्नमेंट है. हर राज्य एक राज्य से अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ की जो तौर तरीके हैं वो अलग है, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट का होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. ऑलराइट, इसको हम राज्य सरकार के नाम से भी जानते हैं. एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, इट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट. हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि उस पर्टिकुलर राज्य के लिए कानून बनाता है. ओके, द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर नोन एज MLAs, ठीक है, एंड दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज. इनकी भी वोटिंग होती है और एज यूजुअल जो लोग 18 साल से ऊपर होते हैं वही लोग इनकी वोटिंग करते हैं. दे आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है इन लोगों को भी. द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. स्टेट का हेड कौन है? गवर्नर है, ठीक है. ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. इन्हें भी 5 साल के लिए प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करके इलेक्ट करता है. आफ्टर द असेंबली इलेक्शंस द गवर्नर इन्वाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज़ गॉट द मैक्सिमम सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू फॉर्म द गवर्नमेंट. द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर. यानी स्टेट में जब इलेक्शंस हुए उस स्टेट में जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला उस पार्टी के लीडर्स को बुलाया जाता है और फिर उसमें से चूज़ किया जाता है जो भी लीडर सिलेक्ट करती है पार्टी उसको उस पर्टिकुलर स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू जुडिशियरी. ये अलग और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का, इनफैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियरी. द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ट्राइज टू प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है. ओके, इट हैज़ द राइट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. द जुडिशियरी ऑल्सो इंश्योर द लॉज फॉर्म्ड बाई द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज रिमेन ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया. यानी कि जुडिशियरी का काम है क्या क्या है. इंडिया में कानून बना रहे, किस तरह का इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, कोई कानून तोड़ ना रहा हो, कानून सबसे ऊपर है. कानून के अंतर्गत सब लोग हैं, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, आम नागरिक हो या गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो, एवरीबडी विल कम अंडर द लॉ. ठीक है, कानून से ऊपर कोई नहीं है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया. यानी सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया. इसके आगे फिर बात नहीं होती. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप तोड़ नहीं सकते, इट इज़ द फाइनल. ओके, इट इज़ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. द चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यानी कि जो मेन जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. द स्टेट्स ऑल्सो हैव देयर ओन कोर्ट. हर स्टेट का भी अपना अपना कोर्ट होता है जिसको हम हाई कोर्ट्स बोलते हैं. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट इज नोन एज द हाई कोर्ट. और इनमें भी जजेस होते हैं. ठीक है, इट हेड्स द अदर लोअर कोर्ट्स. और जो हाई कोर्ट है वो और छोटे छोटे कोर्ट्स यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स को हाई करता है. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो तरह के कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स. क्रिमिनल कोर्ट्स यानी जो क्रिमिनल केसेस डील करता है, और सिविल कोर्ट्स जो कि नॉर्मल प्रॉपर्टी के या ह्यूमन राइट्स के केसेस को डील करता है. जैसे किसी में झगड़ा हो गया तो वो सिविल कोर्ट में आएगा, लेकिन किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वो क्राइम में आएगा, तो वो क्रिमिनल कोर्ट में आ जाएगा. ऑल राइट, तो इस तरीके से अलग अलग कोर्ट्स हैं जिसको अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ लेट्स गो थ्रू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉमिनी to appoint to an office. Okay, then legislative assembly, the place where all the assemblies come, MLAs come together.
ठीक है, जैसे लोकसभा में सब लोग आकर डिस्कशन करते हैं, उसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सारे मेंबर्स जो हैं वो आकर डिस्कशंस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं. नेक्स्ट, गवर्नर, अ पर्सन हु इज़ द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट और अ प्रोविंस. एंड लास्ट, डीम्ड फिट, मतलब कंसिडर्ड टू बी सुइटेबल, यानी जो सही लगता है कि इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही है. ओके, नाउ लेट्स क्विकली लुक ओवर व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट्स रन कर रही हैं. द पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा. द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन द स्टेट, राइट. And last, the Supreme Court is the highest judicial body in our country. The highest judicial body in the state is called the High Court. यानी country में Supreme Court सबसे highest position पे है और state में High Court सबसे ऊपर माना जाता है. ठीक है, now let's do the tick the correct options. First of all, India is divided into 28 states. India में 28 states है. ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द डैश ऑफ इंडिया. राज्यसभा के चेयरमैन जो हैं वो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. द नंबर ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा इज 16, 18, 12 or 19. सो 12 इज द राइट नंबर. एंड देन द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट, स्टेट का हाइएस्ट कोर्ट पूछा गया है बच्चों, तो स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट जो है वो है हाई कोर्ट. ठीक है, इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम कोर्ट हाईएस्ट पूछे तो वो होगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट अगर पूछेंगे तो वो है हाई कोर्ट. ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, उन लोगों ने ड्राफ्ट किया था. सेकेंड, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन टू हाउसेज, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउस है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा. राइट, नेक्स्ट, द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस. डैश इज अ परमानेंट बॉडी, सो राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी जो डिसॉल्व नहीं होती है. एंड लास्ट इज द डैश इज द हेड ऑफ द स्टेट. द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, गवर्नर क्या है, स्टेट का हेड है. Alright children, so I hope that you have noted all these points. So with this we move towards the next exercise, that is exercise number C, state whether the statements are true or false. ठीक है, so इनको कर लेते हैं जल्दी से. The central government helps the state government. Yes, this is true. बिल्कुल ज़रूरत पड़ने पर central government state government को help करेगी. सेकेंड, लोकसभा इज नोन एज द अपर हाउस. नो, दिस इज फॉल्स, यहाँ पे ये गलत है. लोकसभा को अपर हाउस नहीं बोलते, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं. सो दिस इज फॉल्स. थर्ड, द राज्यसभा हैज मोर देन 250 मेंबर्स. नो, दिस इज फॉल्स, राज्यसभा में 250 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. ठीक है, फोर्थ, द प्रेसिडेंट मोस्टली एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. यस, दिस इज ट्रू. And fifth, Indian democracy runs through a multi-party system. Yes, that is also true. क्योंकि Indian democracy में कई सारी different political parties है जो आपस में contest करती हैं या आपस में लड़ती हैं. All right. So with this, we come to an end to today's session. I hope children that you have understood how the government works, किस तरह से सरकार का निर्माण होता है और किस तरीके से हम laws बनाते हैं और properly इंडिया को गवर्न करते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन,
I will take a goodbye from you all. We will meet again soon with a new chapter of this book. So stay tuned for the upcoming video. Bye bye and take care.